नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा को लेकर बेहद ही विवाद बयान दिया था और खाकी अंडरवियर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। आजम के इसी बयान पर उस वक्त खूब बवाल मचा था और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और आजम के इस बयान की खूब आलोचना भी की थी। हालांकि रामपुर से आजम खान सांसद बनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। तमाम मामलों में उन्हें सजा हुई और जेल जाना पड़ा। इसके बाद आजम खान ने 2022 में विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से जीत हासिल की और सांसदी से इस्तीफा देकर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि कुछ दिन बाद ही आजम खान को अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा और सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं अभी समाजवादी पार्टी और आजम खान का परिवार इस सदमे से उबरा भी नहीं था, उसे एक और बड़ा झटका इसी बीच लग गया और आजम के बेटे अब्दुल्लाह की विधायकी भी चली गई, जिसके बाद अब जयाप्रदा का इस पूरे मामले पर बयान आया है और उन्होंने आजम के परिवार पर जमकर तंज कसा है और कहा है कि आजम खान का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो खुदा और भगवान नहीं है, उनको कर्मों की सजा मिल रही है। जयाप्रदा ने अपने बयान में कहा, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें करते हैं, यह अशोभनीय है। अब आजम खान का खेल खत्म हो चुका है। आजम खान खुद को खुदा और भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण समझने लगे थे। अब करनी की सजा उनको भुगतनी पड़ रही है, बेटा भी इनके कारण परेशानी झेल रहा है। अब दोनों बाप और बेटे का चैप्टर समाप्त हो चुका है। जयाप्रदा के इस बयान से समझ आता है कि किस तरह से वो आजम खान के उस खाकी अंडरवियर वाले बयान को आज तक नहीं भूली हैं और इसीलिए जब आज उन्हें सजा हो रही है तो जयाप्रदा इसे उनके कर्मों की सजा बता रही हैं। गौरतलब है कि आजम के बाद उनके बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बता दें कि मुरादाबाद की MPMLA कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसका पद खुद से खाली हो जाता है, इसीलिए अब्दुल्लाह आजम की भी विधायकी रद्द कर दी गई। जानकारी देते चले कि 2008 में आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि सड़क जाम करते हुए उन्होंने बवाल किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली और इसीलिए 15 साल पुराने मामले में जब फैसला आया तो आजम खान के परिवार के होश उड़ गए। बहरहाल जयाप्रदा ने जिस तरह से आजम खान और उनके बेटे को लेकर बयान दिया है और कहा है कि ये उनके कर्मों की सजा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।